नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज़। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। अजीत सिंह उर्फ रिंकू ने बताया कि घरेलू कलह में साले की बीवी ने उसको भी फंसा दिया, एफआईआर में उसका भी नाम शामिल कर दिया। बिना जांच पड़ताल के पुलिस ने एफआईआर में उसका नाम दर्ज कर दिया। जब पीड़ित ने बताया 27 जुलाई का है मामला, 11 बजे दिन का, उस दिन मैं एक टाइल्स की दुकान पर मौजूद था, जो कि आप सीसीटीवी में देख सकते हैं। मैं सभी पुलिस प्रशासन और शासन से विनती करना चाहता हूं कि मेरा मामला देखा जाए और मुझे एफआईआर से बरी किया जाए। देखें ये खास रिपोर्ट, पीड़ित ने क्या कहा, सुने। हाँ, क्या मामला है आपका? मैं जीत कुमार उर्फ रिंकू, मेरी साले की औरत द्वारा लड़ाई झगड़े का जो मुकदमा लगाया गया वो बिल्कुल फर्जी है। मैं भी उस दिन एक टाइल्स दुकान में टाइल्स खरीद रहा था, और वो अधिकतर फर्जी, हर बार फर्जी मुकदमा लगाने की कोशिश करती है। अब मैं शासन प्रशासन से ये अनुरोध करूँगा कि जो भी हो इसकी निष्पक्ष जाँच की जाए। कौन सी तारीख का मामला है, एफआईआर में कौन सी तारीख दी गई और आप कौन सी तारीख में सीसीटीवी में वहाँ पर हैं? ये 27 तारीख का मामला, प्रातः 11 बजे, जिसकी मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी।